हे गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कानिस मेथड के बारे में। जैसे कि मैंने सुबह ही मैसेज डाला था कि मैं कानिस मेथड के बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसमें हम जानेंगे ये जो पर्टिकुलर पोर्टल फ्रेम आपको यहाँ पे दिख रही है, इस पोर्टल फ्रेम का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी जाके आपके कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन आएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने वाला हूँ जो कि आपको समझने में अच्छा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे एक पोर्टल फ्रेम है जहाँ पे अलग अलग तरीके से लोड्स अप्लाई किए गए हैं। जैसे कि मान लो ये एक पर्टिकुलर लोड है, ये एक अलग सा लोड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे अप्लाई किया गया है ई बी स्पैन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कॉलम जो है मतलब ए बी कॉलम है जहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे भी एक हिंज सपोर्ट है सी डी कॉलम के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही चीजें पहले देखना है कि कहाँ पे क्या चीज है, किसका मूवमेंट निकालना है। यहाँ पे दो जॉइंट है, एक तो बी जॉइंट है और एक सी जॉइंट है। ठीक है, तो जब भी हम मेंबर सिलेक्ट करेंगे तो हम बी सी मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक सी बी ए मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम सी डी मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और सी बी मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ना उसके बाद ये जो बीई और सी एफ है इसका मूवमेंट हम वहीं पे निकाल लेंगे। जब मैं फिक्स मूवमेंट निकालूंगा तो उसी जगह पे हमारे इसके मूवमेंट मतलब बीई और सी एफ के हमें मूवमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके फार एंड के ऊपर कोई सपोर्ट ही नहीं है, इसलिए हमको उस चीज को लेना नहीं है। अभी दूसरी बात ये है कि ये पोर्टल फ्रेम जो है ये स्वे है या नॉन स्वे है, आपको ये भी देखना होता है। ठीक है, अगर आपकी पोर्टल फ्रेम स्वे है तो क्यों स्वे है आपको ये पता चलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है इसलिए इसका डिफ्लेक्शन आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो रहेगा इतना, ये रहेगा आपका डिफ्लेक्शन डेल्टा। ठीक है, अगर मान लो इसके जगह पे ये फिक्स रहता तो आपका डिफ्लेक्शन कैसा आता, अगर ये आपकी रहती ऐसी फोटो फ्रेम रहती तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा आता, ये थोड़ा ऊपर जाके ऐसा जाता और ये ऊपर जाके थोड़ा इस तरीके से, मतलब इतना डिफ्लेक्शन आता आपका। ठीक है, लेकिन ये अभी है नहीं इसलिए अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताया मैंने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके निकालेंगे फिक्सेड मूवमेंट्स। ठीक है, फिक्सेड मूवमेंट निकालना सबसे होती है स्टेप नंबर वन, लेकिन उसके पहले भी वही होता है कि चेक करना कितना इनर्शिया है कि ठीक है कितना इनर्शिया है, कितनी लेंथ है, कौन कौन से टाइप के लोड है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि मैं इस डायरेक्शन में फिक्स मूवमेंट निकल रहा हूँ तो मेरे क्लॉकवाइज पोर्शन रहेगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पोर्शन रहेगा मेरा निगेटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन में निकलता तो मेरा क्लॉकवाइज पोर्शन रहता निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पोर्शन रहता मेरा पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपका कैलकुलेशंस होंगे प्रॉपर, नहीं तो आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे पूरे गलत। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे ऑलरेडी मैंने सारे मेंबर्स को डिवाइड कर दिया है, तो ये जो मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मूवमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, जिसमें क्लॉकवाइज हो रहा है आपका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है आपका निगेटिव। ठीक है, उसी हिसाब से आपको सारे पोर्शन देखने को मिलेंगे। और एक चीज बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आपका फिक्स एंड मूवमेंट अपोजिट होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ उसके बाद अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे मेंबर्स को जैसे कि मान लो मैंने इसके बारे में और इसके बारे में मैंने क्या बोला, यही पे मूवमेंट निकल जाएंगे। अभी मेरा कॉलम ए बी जो है उसको मैंने दोनों साइड में फिक्स सपोर्ट लगा दिए। ठीक है, इसको भी मैंने दोनों साइड में फिक्स सपोर्ट लगा दिए। ठीक है, इसको भी मैंने दोनों साइड में फिक्स सपोर्ट लगा दिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन तीनों मेंबर के ऊपर मेजर फोकस रखना है। तो फिक्स मूवमेंट अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा इस पर्टिकुलर लोड के लिए जो कि इस कॉलम को दोनों इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है, तो फार्मूला रहेगा डब्ल्यू एल बाई एट, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, और मुझे अभी बी ए निकालना है तो उसका साइन चेंज करना, बस वैल्यू मिल जाएंगे 30 किलोमीटर। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने हर वीडियो में ये चीज आपको बताई है। ठीक है, उसके बाद अभी मुझे बी सी बी ई निकालना है। बी का फार्मूला क्या रहेगा, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसका मूवमेंट ही निकालना है, फिक्स मूवमेंट निकालना है, वो रहेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो वैल्यू रखो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। और सी एफ का कैसे रहेगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको -5। ठीक है, उसके बाद अभी मुझे निकालना है बीसी के बारे में, तो एक चीज ध्यान में रखना, बीसी में क्या है, दो लोड है, एक तो डब्ल्यू वन लोड है और एक डब्ल्यू टू लोड है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो इसको किस तरीके से करना है, इसको पहले डिवाइड करो डब्ल्यू वन लोड के लिए।
अगर मैं इसको W1 लोड के लिए डिवाइड करता हूँ तो ये डिस्टेंस मेरा बन जाता है ए, ये डिस्टेंस मेरा बन जाएगा बी। ठीक है, जब मैं W2 लोडिंग के लिए कैलकुलेशंस करूंगा तो मेरा ये इतना डिस्टेंस बन जाएगा, ये इतना डिस्टेंस बन जाएगा मेरा बी। मतलब स्टार्टिंग में ये मेरा 1 रहेगा, ये W1 लोड के लिए मतलब 50 किलोन्यूटन के लिए, ठीक है, और बी जो रहेगा वो रहेगा मेरा 3। और जब मैं W2 मतलब 80 किलोन्यूटन के लिए कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो अभी इसका कैलकुलेशंस कैसे होता है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो फिक्स मोमेंट ऑफ BC मुझे निकालना है तो वो जाएगा माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सबसे पहली बार, W1 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस W2 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे फार्मूला रख दिया है। ठीक है, मतलब क्या होता है आपको तो ये फार्मूला पता ही होगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर फिक्स मोमेंट निकालो तो इस पर्टिकुलर लोड का स्क्वायर नहीं करेंगे, उसके आगे वाले लोड का डिस्टेंस को आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो आपको मिलेगा इतना। उसके बाद अभी मुझे CB का मतलब इस डायरेक्शन में निकालना है, तो कैसा हो जाएगा देखो, W1 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस W2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन एल स्क्वायर। मतलब फर्स्ट BC में मैंने क्या किया, सिर्फ बी को स्क्वायर किया और साइन अपना माइनस रखा, और CB में मैंने साइन मेरा प्लस रखा और सिर्फ ए को मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू रखने के बाद आपको मिलेगा 54.38 किलोमीटर इंटू मीटर। उसके बाद अभी मुझे CD के लिए निकालना है। ठीक है, CD में एक ही लोड है लेकिन वो वेरिंग लोड है, लेकिन आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज है तो ये रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो सिमिलरली वो ही चीज आपको नीचे देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग ट्रायंगुलर लोड के लिए आपका फार्मूला रहता है 5/96 इंटू W L स्क्वायर। ठीक है, तो CD जो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए आपका फार्मूला आएगा -5/96 W L स्क्वायर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, और DC के लिए आपको सिर्फ निगेटिव साइन हटाना है, आपको ये साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिक्स मोमेंट निकल गया। अभी मेरी स्टेप नंबर जो है मतलब ये आपकी होगी बेसिक स्टेप। ठीक है, अभी ये बेसिक स्टेप खत्म होने के बाद अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम मेंबर्स का स्टिफनेस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 वही रहती है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एंड कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला होता है सिंपल, एक फार्मूला है, और रोटेशन कंट्रीब्यूशन का एक बेसिक फार्मूला है। तो पहले रिलेटिव स्टिफनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरी पोर्टल फ्रेम है, वहां पे अगर आपका फार एंड मतलब अगर आपका बी से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बी से अगर मैं बी ए के लिए मुझे निकालना है और BC के लिए मुझे निकालना है। ठीक है, तो बी ए पॉइंट के ऊपर मेरा हिंज सपोर्ट है, तो मेरा फार्मूला हो जाएगा के ऑफ बी ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.75 I डिवाइडेड बाय L। तो I तो मेरा 1 है तो मैं I ही रखूंगा, L मेरा कितना है 6। ठीक है, उसके बाद अभी मुझे BC के लिए निकालना है, तो के ऑफ BC इज नथिंग बट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I बाय L। क्यों? बिकॉज वहां पे एक नॉर्मल जॉइंट है। सिमिलरली CB के लिए भी BC इज नथिंग बट के ऑफ CB हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपका आई बाय एल ही रहेगा, लेकिन CD के लिए जब आप निकालोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, के ऑफ CD इज नथिंग बट इक्वल टू 0.75 I डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने नीचे कैलकुलेशन किए। अगर इसका मतलब कि अगर आपका फार एंड हिंज है तो आपका फार्मूला रहेगा 0.75 I बाय एल, अगर आपका नॉर्मल ज्वाइंट है तो आपका फार्मूला रहेगा I बाय एल अगर आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किए। यहाँ पे एल चेंज है, यहाँ पे एल 6 है, ठीक है, यहाँ पे यल आपका कितना है 4 है, इसलिए दोनों की वैल्यू आपको चेंज मिलेगी। मतलब बी ए आपको मिला 0.125 I, ठीक है, CD मिला आपको 0.1875, इसका फार्मूला वही था 0.75 I डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और ये कैसे मिला, I बाय यल, I डिवाइडेड बाय 4, I डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का मतलब इन दोनों स्टिफनेस का हम क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे। तो एडिशन करने के बाद आपको डायरेक्टली स्टिफनेस मिल जाएगा, एडिशन समेशन ऑफ स्टिफनेस मिल जाएगा। मतलब 0.125 I प्लस 0.5 यू विल गेट 0.625 I, और 0.5 प्लस 0.1875 I यू विल गेट 0.6875 I। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें समेशन ऑफ के मिल गया, अभी इसका यूज करके हम क्या करेंगे, रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला है -0.5 K डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ K। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो -0.5 इंटू 0.125 I डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो यू विल गेट -0.1। तो इसी तरीके से आपको मिलेगा -0.4, -0.36 और -0.14। ठीक है,
ये होने के बाद अभी हमको क्या निकालना, जैसे अभी हमने क्या निकाला, रिलेटिव स्टिफनेस निकाला, फिर रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला, ठीक है। अभी हमको निकालना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर आपको एक सिंगल पॉइंट का रोटेशन देता है और डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये दोनों चीज है, तो हमने रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर तो निकाला, अभी हमें डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन, तो अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो किस तरीके से होता है, देखो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है जिसमें ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अभी मैं इन सारी चीजों की वैल्यू किस तरीके से आई मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे यू के बारे में आपको बताऊंगा। यू क्या होता है, अगर आपका कॉलम जो है, आपका कॉलम अगर नीचे फिक्स सपोर्ट है या आपके कॉलम के नीचे हिंज सपोर्ट है, अगर फिक्स सपोर्ट है तो यू की वैल्यू रहेंगी 1, हिंज सपोर्ट है तो कॉलम की वैल्यू रहेंगी, यू की वैल्यू रहेंगी 0.75। तो हमारे कंडीशन में दोनों इसमें हिंज सपोर्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू 0.75 हो जाएंगी। के की वैल्यू अभी हमने अभी जस्ट रिसेंटली ऊपर के टेबल में निकाली, तो मैं उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी एल ई क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ मतलब अगर आपका कॉलम फिक्स सपोर्ट है, या अगर आप मतलब आपके कॉलम को नीचे फिक्स सपोर्ट लगा है या आपके कॉलम को नीचे हिंज सपोर्ट लगा है, तो आपको यल ई निकालना अलग तरीके से निकालना होता है, ठीक है। कैसे निकालना अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी अपने केस में हिंज सपोर्ट है, इसलिए जो भी आपकी लेंथ है उसको आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो अपनी इसकी लेंथ कितनी है, बी ए की 6, उसको मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको कितना मिला, 9। अगर आप यहाँ पे भी कितना हिंज सपोर्ट लगा है, इसलिए 4 × 1.5, तो मिल गया 6। अगर मेरा फिक्स सपोर्ट रहता तो वहां पे क्या होता, मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। जो भी मेरी इफेक्टिव लेंथ है, मतलब जो भी मेरी लेंथ है वो मेरी इफेक्टिव लेंथ रहती है। अभी आप बोलेंगे ये कैसा, देखो आप वहाँ कॉलम का एक डेरिवेशन है जिसमें फिक्स जो फिक्स सपोर्ट की इफेक्टिव लेंथ जो रहती है वो इस तरीके से आती है, और हिंज सपोर्ट में जो इफेक्टिव लेंथ रहती है वो उस तरीके से आती है, ठीक है। ये उसका डिफरेंस है ना। उसके बाद ये चीजें होने के बाद अभी रेफरेंस लेंथ क्या होती है, जिसको हम यहाँ पे इस नाम से लिखे एल ई इंटू आर। जो भी एल ई बड़ी होती है, मतलब यहाँ पे 9 और 6, तो दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी बड़ी रहेंगी वो आपकी रेफरेंस लेंथ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अल्फा, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट हाइट करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अल्फा जो होता है वो होता है आपका हाइट हाइट करेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये हाइट करेक्शन फैक्टर होता क्या आपको बता देता हूं मैं, अगर आपका मतलब इसको सॉल्व करना होता है, इसका फार्मूला है अल्फा इक्वल्स टू रेफरेंस रेंज जो होती है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे मान लो बी ए के लिए निकाल रहा हूं, तो ये 9/9=1। अगर मैं सी डी के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 डी, ये 9/6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 1.5, क्लियर ना। उसके बाद अभी हम निकालेंगे के इंटू अल्फा। के इंटू अल्फा मतलब क्या, वेरी सिंपल, आपको जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। अभी तीन टेबल ये पूरे, दो टेबल पूरे मल्टीप्लीकेशन के, तो इसमें जो भी आपका स्टिफनेस है उसको आपको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब 0.125 I × 1 यू विल गेट 0.125 I, 0.1875 I मल्टीप्लाई बाय 1.5 यू विल गेट 0.281 I, ठीक है। उसके बाद अभी हमको क्या निकालना है, यू के अल्फा स्क्वायर निकालना है। तो यू के अल्फा स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास यू की वैल्यू है, यू इंटू के इंटू अल्फा का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो आपको ये वैल्यू मिलेंगे। मतलब क्या, अगर मैं बीए के लिए निकालू तो कैसे होगा, 0.75 × के की वैल्यू कितने, 0.125 I, और अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 0.094 I। सिमिलरली आपको बीसी के लिए भी, सीडी के लिए भी निकालना है, तो आपको मिलेगा इतना 0.316 I। अभी हमें डीसीएफ निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। देखो डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर नथिंग बट डीसीएफ जो होता है उसका फार्मूला होता है -1.5 के इंटू अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ यू के अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इन दोनों का समेशन किया, 0.094 I प्लस 0.1316 I, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या किया, समेशन किया है, तो हमारा डिग्री कंट्रीब्यूशन, डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला होता है -1.5 K इंटू अल्फा समेश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ यू के अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समेशन ऑफ यू के, तो हमने इस तरीके से निकाला, तो आपको मिलता है -0.46 और -1.02,
ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, वो मुझे चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक चेक है। तो अगर आपका ये चेक प्रॉपर आता है तो ही आप न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करो, नहीं तो आप न्यूमेरिकल को फिर से एक बार चेक करना। ठीक है, आपको फिर से इस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा अगर आपका ये चेक रॉन्ग है तो। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं क्या करना है आपको। चेक इस तरीके से रहता है, समेशन ऑफ यू के इंटू डी सी एफ, जो भी आपका समेशन करना है आपको यू, ठीक है, यू इंटू के इंटू डी सी एफ, इन तीनों का आपको क्या करना है, समेशन करना है। अभी आपके पास दो मेंबर है, तो यू के डी सी एफ फॉर एक मेंबर ए बी के लिए और यू के डी सी एफ फॉर सी डी के लिए आएगा, ये बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यू की वैल्यू कितनी है 0.75, के की वैल्यू है 1 और डी सी एफ की वैल्यू कितनी, -0.46 ब्रैकेट। अभी सी डी के लिए भी सिमिलर तरीके से, ठीक है, इन दोनों का एडिशन कितना है, -1.5। अगर आपकी एडिशन दोनों की -1.5 आती है, इसका मतलब आपका आंसर यहां तक है राइट। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 1.3 1.2 आती है, तो इसका मतलब आपका आंसर है गलत, आप आगे जाके सॉल्व भी करेंगे तो आपको मिलेगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इंटरेशन करना है, किस तरीके से स्टोरी मूवमेंट निकालना है और बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालना है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।